मैंने 25 लाख डॉलर्स देकर ये जेट खरीदा है और 11 यूट्यूबर्स को इस पर हाथ रखने को कहा है। जो भी आखिर तक इस पर हाथ रख पाएगा वो इस जेट को जीत जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत में अगर ये अपना हाथ हटाते हैं तो ये आउट हो जाएंगे। चैलेंज ऑफिशियली शुरू हो चुका है। रूल्स बहुत ही आसान है, आप किसी को धक्का नहीं दे सकते। हाँ बस इतना ही। मुझे और कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ पर रह सकता। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे पैंट के लिए क्यों न करनी पड़े। मैंने सुना था यहाँ शोर शराबा करने वाले लोग भी आने वाले हैं। अपना हाथ हटा दो, हटाओ। इस चैलेंज के विनर को सच में एक प्राइवेट जेट मिलने वाला है, तो ये सबसे बेस्ट स्पॉट ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। प्लेन का लोवेस्ट स्पॉट सबसे बेस्ट है। मुझे लगता है इसका बेस्ट पार्ट मुझे मिला। ये जेट सच में बहुत ही बड़ा है। ये विंग की दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे करूंगा? बस हाथ को स्लाइड करो। ओह जिमी, तो ये पोजीशन कितनी कंफर्टेबल है? मैंने इस पर अपना राइट हैंड रखा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए जीतूंगा तो मैं। वैसे मेरे को उड़ाना नहीं आता। जॉर्ज, अगर तुम उसे पकड़े हुए हो तो शायद तुम्हें उसे छोड़ना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। तो इसे जीतने के लिए तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है? मेरे अंदर जिद कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन स्पीड से बचकर रहना होगा। सच में स्पीड इसे मुश्किल बना रहा है। तुम बहुत ही कंफर्टेबल लग रहे हो। हाँ सही कहा, मतलब हम दोनों को लॉजिकल रहना चाहिए, लॉजिकल। मैं यहाँ पर अरे नहीं, शायद अभी कोई आउट हो गया। ओह माय गॉश, विक आउट हो गया। क्या विक हार गया? विक तुम आउट हो गए। उसने जिमी की आंखों के सामने से अपना हाथ उठाया, मुझे लगा ये लॉजिकल स्पॉट है। अच्छा आप सब बताओ, आपका क्या कहना है? विक का राइट हैंड देख रहे हो? इसमें उठाया आउटे। तो ये 25 लाख डॉलर्स का जेट तुम्हारा नहीं हो पाया। जीतने पर ये मुझे लेने आएंगे। बाय बाय विक। विक तुम आउट हो गए, अब आगे कौन आउट होगा? मुझे लगता है चंक्स। हाँ वो तो अभी से थका हुआ लग रहा है, घर जाने के लिए तैयार है। चंक्स दोस्त, मैंने सुना तुम जाना चाहते हो। लग तो रहा है तुम्हें अपना डेबिट कार्ड दे दूं तो चले जाओगे। पर क्या वो काम करता है? हाँ बिल्कुल। अब मैं जाने की सोच रहा हूँ। ओ माय गॉड, वीडियो के बारे में सोचो। कितना खर्च कर सकता हूँ मैं? 10,000 के बाद रुक जाता। 10,000 के बाद? हाँ देखो। ओ माय गॉड, ओके लो ये रहा कार्ड। उसने सच में कार्ड दे दिया। देखा था। ओह माय गॉड, मैंने नहीं किया, मेरा हाथ ही हटा। पीट गया। ओ माय गॉड, ओके मैं तुम्हें खुद फैसला करने दूंगा, इसे आगे करता हूँ। डेट का है? डेट का है इसकी? देखो ये 5 सेकंड पहले के तुम हो। तुमने हाई फाइव करने के लिए उसे हाथ दिया और उसका हाथ उठ गया। चैंक्स ने 10,000 जीते और स्पीड को भी बाहर कर दिया। मुझे बुरा लग रहा है, ये बहुत ही क्रेजी। अरे नहीं, बैक टू बैक आउट्स। ये कर क्या रहा है? ये कैमरा वाला मेरे पीछे क्यों आ रहा है? बाय स्पीड, बाय स्पीड, बाय बाय। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। पूरे 3 लोग आउट हो चुके हैं, अब इसे और मुश्किल करते हैं। आसानी के लिए हमने ये पूरा एयरपोर्ट रेंट पर ले लिया है, तो अब हम टहलने जाएंगे। कार्ल हाँ। देखो इसे ज्यादा तेज मत चलाना, अगर अभी सारे के सारे आउट हो गए तो मेरा वीडियो बस 2 मिनट का बन पाएगा। ए मिस्टर बीस्ट शॉट्स, ओ माय गॉश, क्या वो जेट को खींचने वाले हैं? ओके प्लेन आगे जा रहा है, चलो आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी चलो, तुम्हें बहुत ही दूर तक जाना है। मैं बताऊंगा तो किसी को विश्वास नहीं होगा। ये कोई प्राइवेट एयरपोर्ट नहीं है, ये कमर्शियल एयरपोर्ट है। समझ नहीं आ रहा उसने कैसे किया। मैं खुश हूँ कि हम चल रहे हैं। अरे नहीं, क्या इतनी स्पीड काफी है? ये एक प्लेन है दोस्त। मुझे लगता है ये चैलेंज एकदम फेयर है, क्योंकि मैंने विक को आउट करवा दिया। शायद मेरा हाथ नम होते जा रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है हम एक प्राइवेट जेट के लिए लड़ रहे हैं। मेरा पूरा शरीर। वहाँ पर एक बड़ा सा वेयर हाउस है। यही हमारी अगली मंजिल है, ठीक आपके सामने। चैलेंज में 2 घंटे होने के बाद बॉयज को एक बाथरूम ब्रेक की जरूरत थी। बताए आप बाथरूम कैसे जाते हैं? हाँ क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ। अब मैं आपको हमारा बाथरूम दिखाता हूँ। अपना हाथ वहीं पर रखना, अगर इसका ये हाथ हटता है ये हार जाएगा, चाहे कुछ भी कर रहा। अरे लेकिन मेरा प्राइवेट पार्ट बाहर आ गया, थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ी प्राइवेसी दो। बकेट किसने हटाया? अरे यार मुझे माफ करना यार। यहाँ कुछ भी फेक नहीं होता है, मुझे इसके हाथ का एक क्लीन कैमरा शॉट चाहिए। इस पूरे चैलेंज के दौरान एक पूरी आर्मी उनके हाथों पर नजर रखे हुए थी, हाथ हटते ही हमें पता चल जाएगा। मेरा हाथ प्राइवेट जेट पर है और पीछे कोई सुसु कर रहा है। लेजर चलो अब यहाँ आगे आ जाओ। माय गॉश, नया चैलेंज। कैसे? मुझे नहीं कैसे? पता, खुद ही सोचो। गाइस गाइस गाइस, अगर मुझे जाने दोगे तो प्लेन में सैर कराऊंगा। क्योंकि तुम्हारे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तुम चुनोगे कैसे अंदर जाना है। मैं चाहता हूँ कि आखिरी वाला पहले जाए। ये सच में बहुत ही जालिम है। मैं कारपेट पर हूँ। ये बहुत ही फनी है ना चली। ये कमाल का है, ये रेंगते हुए यार। मुझे जाने दो, जाने दो। माफ करना, खेल अब सीरियस हो गया है। मुझे लगता है मुझे भी रिस्क लेना होगा। तुम्हारा हाथ ऐसा क्यों है डूड, ये क्या कर रहे हो? ये काम कर रहा है। गाइस प्लीज प्लीज, सॉरी दोस्त। और मैं जाऊंगा कैसे? इसने सॉरी दोस्त कहा। गाइस गाइस, उसे धक्का मत देना, वो प्लेन को उंगलियों से छुए हुए हैं। संभाल के बढ़िया। ये अजीब,
क्या बात बहुत ज्यादा अजीब है। ये काफी अच्छा है। हाँ। मैं खुद को देख सकता हूँ, मेरा मतलब मेरा दोस्त जो हवा में उड़ने वाला है। जो भी इस जेट को जीतेगा उसे ये किसी और को देना होगा, क्योंकि ये सारे यूट्यूबर्स हैं, इन्हें जेट की क्या जरूरत। वो आप भी हो सकते हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ये जीता तो जा सकता हूँ। हाँ। तो आप सबको ये जेट कैसा लगा? बहुत अच्छा, बढ़िया। यहाँ पर 8 सीट्स हैं और आप भी 8 हो, लेकिन उड़ने के लिए मुझे इसमें बैठना होगा, तो किसी एक को बाहर आना होगा। तो अगर किसी को बाहर आना है तो मुझे बता सकते हैं जिमी। मैंने कुछ घंटे इन्हें जेट में अकेला छोड़ दिया, पर कोई भी आउट नहीं हुआ, तो मैंने उनसे प्लेन के चक्कर लगवाए। तुम आगे बढ़ो। ओ नहीं, मुझे इस जेट के नीचे से जाना होगा। मैं इस तरफ आ रहा हूँ। किसी को आउट होना ही होगा। आप भूले तो नहीं हो ना, ये जेट पूरे $25,00,000 का है और ये रकम बहुत ही बड़ी है। अगर मेरा हाथ यहाँ से हटा मैं तो गया। फिक्र मत करो, ये नहीं हटेगा। तुम तो मुझसे दूर ही रहो। जब तक तो कोई आउट नहीं होता मैं प्लेन में नहीं घुसूंगा। तुम्हें इन्हें आउट करने के लिए लालच देना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है, किसी को नींद आते ही उसका गेम ओवर। अगर खेल में बने रहना है तो अपनी जिद मत छोड़ना। देखो वो हार मान रहा है। 20,000 में मैं चले जाऊंगा। मैंने सुना तुम्हारे पास कोई डील है, चलो बताओ मुझे। जो जीत जाएगा वो मुझे $20,000 देने वाला है, अगर मैंने हाथ हटाया तो। वो विनर जेट जीतने वाला है, ना कि पैसे। इस डील से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पैसे दे तो मुझे क्या। इसका हाथ तो पसीने से लथपथ है। तो विल आउट हो गया है, अब हम जेट में उड़ने जा सकते हैं। क्या बात है, सब लोग जेट के अंदर बैठ जाओ। नहीं नहीं, धक्का मुक्की नहीं, एक एक करके, एक एक करके। ये तो सच में बहुत अच्छा है। सर इसका डिजाइन देखो। जेट के अंदर आप सिर्फ एक्सटीरियर को ही छू सकते हो, चेयर्स और दूसरी चीजें काउंट नहीं होंगी। मैं झूठ नहीं कहूंगा, शायद मैं आउट हो गया हूं। तुमने क्या किया इस चेयर को? तुमने सच बोलकर अच्छा किया। रेडी? नहीं, ये मैंने कैसे कर दिया? हाथ एक्सटीरियर पर नहीं। कम से कम इसने झूठ तो नहीं बोला। तुमने खुद की ही वाट लगा ली। थैंक यू जिमी। कोई बात नहीं, हाथ गीला है। और क्या, ये जेट से चिपका हुआ तो था। चलो अब इसे हवा में ले चलते हैं। गुड इवनिंग जेंटलमैन, हम टेक ऑफ करने वाले हैं। वैसे हम जाने कहां वाले? हाँ, बस बस बैठे। अच्छा ठीक है ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने जब अपने हाथ प्लेन के बाहर चिपकाए हुए थे तब उन्हें हटाया नहीं। अरे यार क्या कह रहे हो तुम? क्या पता, मैं तो बस कह रहा हूँ। अगर ये प्लेन क्रैश होता है तो क्या मैं उसके चैनल्स रख सकता हूँ? प्लेन में चढ़ने से पहले हमने बहुत कुछ झेला। बस कैसी थी? अब हम चले। और ये उड़ चला। ओह माय गॉड, तो देख रहे हो दोस्तों, ये जेट उड़ता है, डमी नहीं है। हैरी का चेहरा देखकर मुझे डर लग रहा है। मैं एकदम डर गया था, क्योंकि जैसे ही जेट उड़ने लगा मुझे लगा मेरा हाथ हट जाए। हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? वहाँ पर बहुत लाइट्स जल रही हैं, शायद वो लंदन हो सकता है। मतलब हम जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये कितना फनी है ना, थोड़ी देर पहले आपने इसके विंग्स पर हाथ चिपकाए हुए थे और अब इसी में 10,000 फुट ऊपर उड़ रहे हो। स्पीड ने बहुत ही। ये अभी प्लेन में बैठा और इसने हाथ हटा दिया। अब इसे हमारे साथ अगली मंजिल तक जाना होगा और हमारे साथ ही वापस भी आना होगा। आउट होने के बाद भी, हवा में 1 घंटा उड़ने के बाद भी मैंने उन्हें नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कब हम लैंड करेंगे। क्या लगता है हम कहाँ पर हैं? कोई आइडिया नहीं है। डबलिन, लिवरपूल, मिलान, आइफिल टावर के पास। मेरे ख्याल से आयरलैंड वरना स्कॉटलैंड। मुझे लगता है ये साउथ बेंड एयरपोर्ट है और हमने एक चक्कर मार लिया। हम कहाँ पर हैं? हमें कहाँ ले जा रहे हो? ये तो वही जगह है, हम घूम कर वहीं पर आ गए। सही समझे, मैंने पायलट को कुछ घंटे गोल गोल घूमने के लिए कहा था। यहाँ पर देखो, गलत हुआ हमारे साथ। ओह थैंक गॉड, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है, हम गोल गोल घूम रहे थे। बॉयज बाहर आ जाओ, अब असली मजा शुरू होने वाला है। सब थके हुए हैं, इन्हें ठंड भी लग रही है, अब चैलेंज दिलचस्प होने वाला है, देखते रहे। हम अंदर जा रहे हैं फिर से। ये इन्हें खाना खिलाने का टाइम है और मैं खाने में स्टेक और स्पेगेटी लाया हूँ, जिसे एक हाथ से खाना बहुत मुश्किल है। क्या वो स्पेगेटी है? एक लकड़ी का फोक। स्टेक के लिए। डिनर के बाद मेरे पास आपके लिए खास सरप्राइज है, बाद में मिलते हैं। स्पेशल सरप्राइज? अब वो कहेगा कोई आउट हो गया, उम्मीद है खाना अच्छा था। हम फाइनल 5 तक आ गए हैं, सीरियस होने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों अब आपको दो दो लोगों के पेयर्स बनाने होंगे, मुझे और कुछ भी नहीं कहना है। ओह अब सिर्फ हम 5 बचे हैं मेरे भाई। हाँ हम ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। कम ऑन, मैं अकेला हूँ, मुझे किसी ने नहीं चुना। काल तुम जानते हो तुम्हें क्या करना। हाथ उठाओ, उन्हें एक साथ रखो। अरे यार, ओ ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई चीज घूम गई है और नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। तो ऐसे ही हाथ पकड़ के रखो, ऐसे। हाँ।
इधर आओ जॉर्ज। नहीं जानता ये गलत है या नहीं, वो अपना हाथ हिला सकते हैं लेकिन मैं नहीं। नहीं जॉर्ज, नहीं जॉर्ज। नहीं, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अगर लेजर जीतता है तो ये जेट 9 साल के एक बच्चे को मिलेगा, अगर निको जीता तो ये इसके एडिटर को मिलेगा। जब मैं बच्चा था तब मैं बहुत बीमार था, मुझे ल्यूकेमिया था, तो मैं ऐसे ही किसी को ढूंढूंगा और उसे एक शुरुआत का मौका दूंगा जो मुझे बचपन में कभी नहीं मिला था। तो तुम ऐसे किसी को ढूंढोगे जो ल्यूकेमिया से रिकवर हुआ है और ये जेट उसे दे दो? मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं ऐसे किसी को ढूंढूंगा जो ये जेट खरीदेगा और मैं सारा पैसा डोनेट करूंगा। सच में? नहीं। इसके बाद हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। क्या ये सही है? मुझे और मिस्टर लेजर को एक बेस्ट पोजीशन मिल गई है। हम बस 24 घंटे पहले मिले हैं और अब हमें देखो। सर मेरे सिने पर रख दो। हाँ साइड पर। हाँ बहुत खूब। वहाँ कैसा लग रहा है तुम दोनों को? अब मजा आ रहा है। हाँ हम जिंदा हैं। अब तक मैंने इतना बड़ा प्राइस कभी गिव अवे नहीं किया है और ये जरा ज्यादा ही कम्फर्टेबल हो रहे थे। इसे मुश्किल करने के लिए विंग्स को बैन कर दिया, पर लगता नहीं आइडिया काम कर रहा है। तुम्हारे पास खड़े रहने के लिए 60 सेकंड्स हैं। मुझे पता है क्या होने वाला है लेकिन ये सही नहीं होने वाला। ठीक है, सब फिर से खड़े हो गए। चलो अब डांस करते हैं। क्योंकि कोई भी आउट नहीं हो रहा था, मुझे इस रेड टेप को लाना ही पड़ा और मैंने जेट पर उनकी जगह थोड़ी और कम कर दी। अगर रेड लाइन को टच किया या उसके नीचे गए तो तुम आउट ठीक अभी से। हम सब इसमें साथ हैं। देखते हैं ये जेट सबसे ज्यादा किसे चाहिए। क्या हमें ये करना अलाउ? क्या ऐसे हाथ पकड़ना? क्यों नहीं? इसीलिए नहीं हिले, तुमने एक साथ रखे थे। हम तकरीबन पिछले एक घंटे से ऐसे खड़े हैं और कोई भी हटने के लिए तैयार नहीं है, पर शायद हैरी को थोड़ी मुश्किल हो रही है। सुबह के 5 बजे है, शायद इनसे ज्यादा मुझे ही थकान हो रही है। मेरे पास एक प्रपोजल है, हम दोनों सिक्का उछाल कर देखना चाहते हैं और उसमें से और मुझ में जो कोई भी हारेगा उसे इस जेट से हाथ हटाना होगा। हेड्स आया तुम जीते, टेल्स आया तुम जीते और दांव पर लगा हुआ है पूरे $25 लाख का जेट। ओ माय गॉश, ये गिरने वाला है। अपने हाथ हटाओ। हेड्स आया है। अपने हाथ हटाओ। ये अपना वादा पूरा करेगा। फ्री होकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं उसे मिस करूंगा, सच में मिस करूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है, अपना हाथ मत हटाना। मिलते हैं बॉयज। ठीक है भाई, सोने जा रहा हूँ। काश मैं भी जा सकता तो उसके आउट होने की खुशी में। चलो इसे और मुश्किल बनाते हैं। तो अब कोई एक उंगली चुनो। मेरी ये वाली उंगली। अब से सिर्फ ये उंगली जरूरी है। मैं इस उंगली को चुनता हूँ। ओके, इसकी पहली उंगली। सबने पहली उंगली चुनी है और अब से आपकी यही एक उंगली जरूरी है जब तक आप हार नहीं जाते। मैं ठीक नहीं हूँ। अब तो और मुश्किल हो गया। दर्द हो रहा है, अभी सिर्फ 10 सेकंड ही हुए। मैं दूसरे हाथ से इसे और आसान बना रहा हूँ। इसके दोनों हाथ खुले, मेरे भी खोल दो। बस और 30 मिनट, उसके बाद निकाल लेंगे। सिक्का उछाल कर देखें, ये टेप परेशान कर रहा है। अगर आउट होते हो तो बिल्कुल। तो चलो उछालो, हेड आया तो मैं जीता। मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। टेल्स, मतलब ये आउट हो गया। सच कहूं तो इस टेप के साथ तो वैसे भी नहीं जीत पाता। निको, सॉरी दोस्त, अब इसे तुम्हें जीतना ही होगा। गुड लक। तो निको, ओह माय गॉड, तुम्हें जीतना ही होगा दोस्त। फैसला तुम ही करो, क्या इसे 30 मिनट इंतजार करने दें या टेप अभी निकाल दें। इंतजार करवाना सही नहीं होगा, काट दो। कोई बात नहीं, मैं विल पावर की जंग देखना चाहता हूँ। गुड लक। अपनी ये उंगली जेट पर ही रखो। जीतने के लिए मुझे यही करना होगा। लेकिन इस जेट को मैं ही जीतने वाला हूँ। अगर तुम जीते तो ये जेट किसे मिलेगा? शायद मैं इसे मेरी माँ को दूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं है। मैं इसे अपने एडिटर को देना चाहता हूँ। चलो कॉल करते हैं। जॉर्ज कैसे हो दोस्त? ओह माय गॉड, निको कह रहा है अगर ये जीता तो ये वाला जेट ये तुम्हें दे देगा। इसका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ कहोगे? तुम इतनी मेहनत से यहाँ तक आए हो तो आगे भी जा सकते। थैंक यू जॉर्ज, थैंक यू। मैं मेरी बहन या फिर मेरे भाई को देने वाला हूँ। ओह सच में? उनके साथ ही बड़ा हुआ तो मैं ये उन्हें देना चाहता हूँ। अब सूरज निकलने वाला है, रोशनी हो रही है। इसी तरीके से हम वक्त का अंदाजा लगा रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है। मेरे हाथ दुख रहे हैं। तैयार रहो, और मुश्किल होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे की ओर देखो। ओह देखो मैं घूम गया। हाँ बहुत अच्छे। मेरा हाथ बहुत। मुझे इस तरह आना चाहिए। वाह क्या बात है, निको कुछ परेशान लग रहा है। तो आउट क्यों नहीं हो जाते? नहीं हो सकता। 1, 2, 3, come on। ये सही टाइम नहीं है नोलन। उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया और हमने कैमरे पर कुछ कैच कर लिया। तुम में से कोई आउट हो गया है। क्या लगता है वो कौन होगा? चलो अब इसका फुटेज देखते हैं। तुम नहीं थे, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। क्या ये तुम्हारा हाथ है? शायद। क्या ये तुम्हारा है? हाँ ये मेरा ही हाथ है। 1 सेकंड के लिए तुम्हारी उंगली प्लेन से हट गई थी। तो क्या अब मैं हट जाऊं? तुम चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो, पर ये तुम नहीं जीतने वाले हो। साफ दिख रहा है तुम्हारी उंगली उठी थी। Well played guys। तो अब सिर्फ बचे हैं जॉर्ज और हैरी। मैं चाहता हूँ कि तुम चेक करो। हैरी की फुटेज चेक करते हैं। विश्वास नहीं होता, मैं जीत के इतने करीब था। पता नहीं कौन जीतेगा, मुझे तो लगता है कि। क्या मतलब कि कौन जीतेगा? जरा इधर तो देखो, यहाँ देखो, असल में कौन जीत गया उन्हें मत बताना कि कौन है। जेंटलमैन, ये चैलेंज
ऑफिशियली खत्म होता है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हाँ। मैंने कब से हाथ यहाँ रखा था, अब मैं ये जीतना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जीता दो। हैरी, माफ करना दोस्त, लेकिन तुम अपनी उंगली हटा सकते हो। नहीं। अगर ध्यान से यहाँ पर देखो, ये उंगली देख रहे हो ना, ये हैरी की नहीं है, ये जॉर्ज की है। क्या बात कर रहे हो? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो, ये मैं नहीं हूँ। नहीं हैरी, तुम जीत रहे हो। जॉर्ज, तुम इतने करीब थे, लेकिन करीब होना काफी नहीं है। हैरी अभी भी जीत गया है। एक जेट। तुम तो पसीना पसीना हो रहे हो। कंग्रेचुलेशंस। तुम ये जेट किसे देने वाले हो? तुम मेरे भाई को और मेरी बहन को। तो चलो इसी वक्त उनके पास चलते हैं। 3, 2, 1 रुको रुको रुको, क्या सच में? ये सपना नहीं है। हाँ, मैं जीत गया। मिस्टर बीस्ट को सब्सक्राइब करो, वो एक लेजेंड है। उसके सारे मर्च और चॉकलेट्स खरीदो। सब कुछ। अगर आप सोच रहे हो कि हमने जितना भी कार्बन इस वीडियो के दौरान छोड़ा है, हम उससे 10 गुना ज्यादा पेड़ लगाएंगे, और इस जेट का विनर फ्यूचर में जितना भी कार्बन छोड़ेगा उसे भी कवर कर लेंगे।